एक बजे की कड़ी धूप और अभी हम शिखर फॉल की चढ़ाई पे चढ़ते हुए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा आप सब लोग, मैं हूं रोहित और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस यार, आज मैं जा रहा हूं एक शॉर्ट वीडियो बनाने एक एमएमए फाइटर पे जो कि चमोली गढ़वाल के है, नरेश करके उनका नाम, एक एमेच्योर फाइटर है। तो यार जैसे कि आपको पता होगा मेरा एक पेज है एमएमए रेवलेशन, तो उस पे मैं एमेच्योर फाइटर का एक स्ट्रगल दिखाता हूँ और मतलब उनका स्ट्रगल कैसे वो मेहनत करते हैं, वो क्या जॉब करते हैं, उसके बाद फाइट करते हैं, वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ऐसी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की मैंने सोची थी, मतलब अब मैं चाहता हूँ यार जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो करूँ, चाहे उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आए ना आए, मतलब जैसा मुझसे होगा मैं वैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी दो तीन लोकेशन पे जाएंगे हम, तो लेट्स गो एंड देखते हैं कैसा होता है और कैसी बनती वो वीडियो। आप जरूर देखना एमएमए रेवोल्यूशन पे, जरूर आइए। मैं इस वाले चैनल पे भी अपडेट देता रहूँगा कि वो वीडियो आ चुकी है या कब आने वाली है। तो अभी मैं निकलता हूँ यार, कैमरा वैमरा रेडी है मेरा, ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ, तो निकलते हैं। ये कैमरा है, ये ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड मैं आज फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, वरना मैंने ये ट्राईपॉड जब से लिया है तब से यूज़ नहीं किया है। लेट्स गो गाइस। सो करेक्ट अभी 6:30 हो रहे हैं सुबह के और मैं रूम से निकल चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ बल्ली वाला पे और यहाँ पे है दून फाइट क्लब। भैया ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पे है DFC दून फाइट क्लब। सो अभी थोड़ी देर में भाई जी आएंगे, तब जाएंगे उनके साथ। गाइस जो हमने शूट करना था जिम में वो कर लिया है और अब हम आ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर राजपुर रोड, तो यहाँ पे जाएंगे और लास्ट शूट होगा हमारा वहाँ पे। सो देखते हैं पॉडकास्ट टाइप का बनाएंगे या कुछ और बनाते हैं। सो भाई यार अभी हम DFC में गए थे, वहाँ पे हमने शूट किया और उसके बाद अभी हम आए हैं सही जो ये है शिखर फॉल वाला रास्ता है उसके ठीक सामने पे हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारे नरेश भाई जो चमोली गढ़वाल से। तो नरेश भाई के ऊपर एक स्टोरी बनाने की सोच रहा हूँ मैं, एक पॉडकास्ट टाइप का जो इनका स्ट्रगल है उसको हम एक उसमें दिखाएंगे पॉडकास्ट के तरीके से, जो कि आपको एमएमए रेवोल्यूशन पे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे एक मस्त लोकेशन पे और हमारे साथ एक भाई भी है कैमरा मैन। सो हेलो गाइस, ये भाई है दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव। हाँ तो ये भाई भी एमएमए फाइटर है और अब सो ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं मतलब ऐसे स्ट्रगल दिखाऊंगा किसी का, वो मैं कर रहा हूँ नरेश भाई से स्टार्ट। और नरेश भाई से मैं मतलब मैं बहुत पहले से मिला था। नरेश भाई याद है जब आप म्यूटेंट अकेडमी में आए थे उस टाइम नरेश भाई जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, तो तब लगा यार मतलब बहुत मेहनती बंदे हैं। बाकी आप पॉडकास्ट देखना, फिर उस पॉडकास्ट में आपको इनके बारे में पता चलेगा इन्होंने कितनी मेहनत करी है, कैसे कैसे टाइम इन्होंने देखा है। तो लेट्स सी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद चलते हैं ऊपर। जी हम पहुंच चुके हैं शिखर फॉल वाले रास्ते पे। सो यहाँ पे स्कूटी लगा ली है और अब हम जा रहे हैं ऊपर, एक लोकेशन है तो देखते हैं पानी की साइड में जाएंगे जहाँ पे भी जाएंगे। सो जो फाइनल वीडियो होगी वो वहाँ पे बनाते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिखर फॉल। सो ये है शिखर फॉल और अभी यहाँ पे आज की चल रही है। तो गाइस अभी हमने एक पॉडकास्ट शूट किया नरेश भाई के साथ जिसको कि आप बहुत जल्दी देखोगे एमएमए रेवोल्यूशन पे। और ये देखो ये हमने कैमरा लगाया था यहाँ नदी के इस साइड, अगर नदी नहीं ये गधेरा टाइप का हमारे लिए लेकिन बहुत लोग इसको नदी कहते हैं, और वहाँ पे बैठे थे हम दोनों। तो अभी यार मेरे पे बैकग्राउंड वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ यार जो चीज़ तुम पे है ना उस चीज़ से स्टार्ट करो। और बाकी ये भाई है नरेश भाई के साथ, इनसे भी मुलाकात होगी। ये भाई है दिल्ली से, आपका नाम क्या है? राहुल श्रीवास्तव। हाँ तो ये भी एक एमएमए फाइटर है। यहाँ पे एक चीज़ है, हर एक एमएमए फाइटर की अपनी अलग स्टोरी है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, वो आप एमएमए रेवोल्यूशन में देखना, जो है पॉडकास्ट बनाया है उसमें देखना यार, मैं क्या बोलूँ यार। लेकिन कोई नहीं, तो अभी चलते हैं यार, धूप बहुत हो रही है और अभी हम तीनों को जाना दिया। तो एक बजे की कड़ी धूप और अभी हम शिखर फॉल की चढ़ाई पे चढ़ते हुए।
भाई उस साइड है छाया और आधी साइड है धूप, अलग ही मौसम है देहरादून का। और चढ़ाई हमने पूरी ख़त्म कर ली है भाई, अभी आ चुका हूँ स्कूटी के पास में और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। क्यों गर्मी कितनी हो रही भाई? गर्मी का कतई तापमान तोड़ रही है गर्मी तो आज ये दोनों भाई दिल्ली चले जाएंगे। हाय गर्मी। तो आज भाई लोग बस पॉडकास्ट के लिए रुके थे यार, बाकी अभी भाई लोग जा रहे हैं दिल्ली, अभी हम निकल जाएंगे दिल्ली शाम तक। सो भाई आज का दिन ऐसे मतलब पूरा दिन यहीं चले गया और ये वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। हाइप बना के रखो, बोलो हाइप बना के रखो गाइस, ठीक है? और भाई को सपोर्ट करो, हर जगह से शेयर करो वीडियो को और एकदम ना यार फैला दो, क्योंकि भाई देखो पता है हर कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है? हर कोई मेहनत कर रहा है, ये इंस्टा पे जो बंदे रील स्क्रॉल करते रहते हैं ये सारी, उन सबको बढ़ावा मत दो, ठीक है? जो रियल मेहनत कर रहा है ना भाई उसको आगे ले जाओ, उसको बढ़ाओ। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही लोग हैं, और भी बंदे हैं हमारे जैसे, और भी लोग हैं, सबको सपोर्ट करो भाई, आगे जाने दो, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि यार जो बंदा चढ़ रहा होता है ना आगे सीढ़ी पे तो उसके पैर खींचते, ठीक है? तो पैर खींचने वाले मत बनना ना, उनको आगे खींचने देना पैर, उनको हटाओ आगे बढ़ाओ भाई। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट करो भाई को। बाकी जय श्री राम, लेट्स गो। सो गाइस अब रूम पे जाके हमारा मन तो करेगा नहीं खाना बनाने का, तो इसलिए हम बार बार खा रहे हैं। सो गाइस यार आपने देखा अभी दिन में आया था मैं, उसके बाद थोड़ा मैं सो गया था यार, मेरे को बहुत नींद आ रही थी, काफ़ी मैं थक चुका था यार, क्योंकि मतलब इधर उधर बहुत कुछ हो गया था, मतलब हम इधर उधर भटके बहुत ऊपर, हम धूप में पैदल गए क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। हम पहले अकेडमी में शूट किया, उसके बाद वहाँ से हम तो तीन थे, मतलब एक ही स्कूटी थी बस हम पे, तो एक बारी हम गए, फिर दूसरा भाई ऑटो में आया, तो इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर भी कुछ लफड़ा हो गया था, तो थोड़ा वो हमने वो सुना और उसके बाद फिर हम चले गए ऊपर। मतलब हमारा नहीं हुआ, मतलब किसी और का था, तो तब हमने वो सुना देखा, फिर हम ऊपर गए। और उसके बाद मैं यार मैं सो गया था रूम पे, नरेश भाई लोग के रूम पे गया था, हमने खाना वाना साथ में खाया था। अब मैं आ चुका हूँ अभी रूम पे, तो अभी मैं बना रहा हूँ पोहा, और आप भी कह रहे होंगे यार रात को पोहा, मतलब पोहे के साथ मेरी अलग ही कहानी है, वो कभी बताऊंगा मैं। तो मेरे को पोहा बहुत अच्छा लगता है, तो अभी मैं रात को यार क्योंकि वो इजी बन जाता है, तो अभी मैं पोहा खा रहा हूँ, मतलब सॉरी पोहा बना रहा हूँ, अभी खाऊंगा। ये पोहा हो गया, ये प्याज हो गया, ये थोड़ा सा मूँगफली हो गई, ये हो गया आपका टमाटर, ये नींबू, ये मेरे मसाले, ये नमक, ये चीनी, ये तेल और ये गैस, और साथ में यह बनाने वाला। सो लेट्स गो। सो गाइस ये देखो मैंने पोहा बना लिया है, अब ये सच में टेस्टी है या मुझे ही लग रहा है, ये मुझे कुछ पता चल नहीं रहा, लेकिन बहुत मस्त हो रहा है सच में, मज़ा आ गया। पहली बार कुछ चीज़ अच्छी लगी मेरे को, तो ये पोहा बनाना किसी ने सिखाया था मेरे को।